जिन्ना की आइडियोलॉजी तालिबान को तो दे दिया आपने मुझे एक बात बताइए पीएफआई को आप आतंकी मानते हैं नहीं मानते हैं तालिबान का तो वैसे इस्तकबाल कर दिया मुझे तो शक हो रहा है की आज आप यहाँ पे कैसे आगे काबुल जाते हैं भारत सरकार तो है। आप मुझे बताइए तालिबान सरकार आतंकवादी बिल्कुल मानती है कहाँ बिल्कुल लेकिन पाबंदी लगाई साहब वो कुछ खामोश कर रहे सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी जो लोग डाल रहे हैं

होने चाहिए क्या आपको लगता है ऐसा

सेकुलरिज्म तभी तक है जब तक यहां पर हिंदू मेजोरिटी में है इसको लेकर कांग्रेस से लेकर ओवेसी साहब ने बड़ी आपत्ति जताई थी इनका सवाल भी उससे मिलता जुलता है आंसर इट मैं भाई का भी जवाब देता हूं हजारों वर्ष से इस देश ने हमेशा सबको एक माना है चिरामल मॉस्क जो पहली मस्जिद पूरे में मानता हूं इस पूरे क्षेत्र में बना वो एक हिंदू राजा ने केरल में अपने जमीन पर बनाया नंबर एक आपने कहा कि सारा ठेका सेकुलरिजम का क्या मुस्म हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता मगर मैं इतना जानता हूं कि जितना इफ्तारी पार्टी हिंदुओं ने दी है आपसे पूछता हूं एक दिन आप अपने मस्जिद में दिवाली की जरा मिलन तो रखवाइए होली मिलन तो रखवाइए दुर्गा जी की पूजा तो करवाइए फिर आप हमसे सवाल पूछिएगा नंबर दो आपने कहा कि क्या आप इफ्तारी किया आपने? नहीं मैंने कभी इफ्तारी की नहीं और जीवन भर मरते दम तक मैं इफ्तारी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मानना है एक अच्छा हिंदू या एक अच्छा मुसलमान अगर अच्छा मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाए तो बहुत अच्छी बात है अच्छा हिंदू अच्छा हिंदू बना रहे संविधान को माने तो वो अच्छी बात है मुझे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है तीसरी बात जी, जी आपने एक सवाल पूछा अभी कि कितनी टिकट उत्तर प्रदेश उत्र, के उत्तर प्रदेश में जी या कहीं भी कितनी टिकट मुसलमानों को दी गई हम विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं ना तो हम अतीक अहमद को टिकट देते हैं और ना ही मुख्तार अंसारी को टिकट देते हैं कान खोल के आप लोग सुन लीजिए मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों को उत्तर प्रदेश से मुक्ति दिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सह लिया ये गैंगवार उनकी बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं थी आज उनकी बेटियों को सुरक्षा दिलाया गया कुलदीप कुलदीप सिंह सिंह को को दे देंगे टिकट दे, दे दे आपको तो हर हिंदू बेकार लगता है खैर छोड़ दीजिए देखिए समित पात्रा जी ने कहा कि साहब मैं रोजा इफ्तारी नहीं कराऊंगा ना करूंगा जो भी कहा इन्होंने आपने सुना पब्लिक डोमेन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा हिंदू कौन है हिंदुत्व तो क्या है उसे जरा जान लीजिएगा समित पात्रा जी और शहजाद साहब आप भी जान लीजिएगा क्षमा का नाम हिंदुत्व तो है दया का नाम हिंदुत्व तो है करुणा का नाम हिंदुत्व तो है त्याग तपस्या बलिदान का नाम हिंदुत्व तो है प्रेम करुणा और सद्भावना का नाम हिंदुत्व तो है अखलाक को और पहलू खान को अकेले निहत्ते किसी मुसलमान को पीट पीट के मार डालने का नाम हिंदुत्व तो नहीं है हमारे यहाँ इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है भगवान को दया का सागर कहा गया है हमारे उपनिषद में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम यानी वीरों की शोभा है शूर वीरों की शोभा क्या है क्षमा इसीलिए और माफ करना सेक्युलरिज्म क्या है सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि एक हिंदू कहीं मस्जिद में जाए और वहाँ नमाज पढ़ ले तो वो अच्छा सेकुलर आदमी हो गया एक मुसलमान मंदिर में जाए और पूजा करे वो अच्छा मुसलमान हो गया वो सेकुलर हो गया नहीं, का मतलब है कि आप अपने धर्म पर कायम रहिए अपनी आस्था पर कायम रहिए अपनी श्रद्धा पर कायम रहिए लेकिन मेरे खिलाफ नमाज भी पढ़ सकते

पूरा होने दी जाए मैंने कहा कि धर्म क्या है हमारा धर्म उद्घोष करता है वसुधैव कुटुंबकम हमारा धर्म उद्घोष करता है विश्व बंधुत्व हमारा धर्म इतना छोटा हो सकता है हमीश देवगन, देवगन सनातन धर्म तालिबान हमीश देवगन सनातन धर्म विराटता का नाम है विशालता का नाम है सनातन धर्म की खूबी यह है कि वो वोट नहीं सिखाता है और सनातन धर्म सिखाता है कि दूसरे के अकीदे का आस्था का सम्मान करो एहतराम करो ये सेक्युलरिज्म

किसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान से नहीं जोड़ा है या आप ही के नेताओं ने इस प्रकार का अनर्गल बयान दिया है दूसरी बात है आपने कहा हिंदुइज्म मतलब क्षमा मतलब मार खा जाना हिंदुस्तम हिंदुइज्म मतलब मार खा जाना। तो वही सब कह रहे थे बड़े बड़े भाषा में क्षमा करुणा दया त्याग, तपस्या बलिदान प्रेम आचार्य जी प्लीज ये सब कुछ हिंदुइज्म है तो ये हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र क्यों धारण किए हुए थे सबको तो क्षमा कर देते जाओ जाओ तुम भी ठीक ये तो भगवती देवी जो है वो तो महिषासुर का मारती ही नहीं बोलती जाओ रे महिषासुर जाओ तुम एंजॉय करो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी तुम्हें क्षमा कर दूंगी ये रावण को तो राम जी वधि नहीं करते बोलते रावण तुमने जो बदमाशी की छोड़ दो ये तो कंच मामा की बद का वध ही नहीं करते कृष्ण जी और जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ वो होता ही नहीं देखिए अपने हितों की रक्षा करनी आनी चाहिए मैं बिल्कुल चिल्ला के नहीं बोलूंगा हिंदुइज़्म का अर्थ है सबको सबको लेकर चलना वसुदैव कुटुंबकम किंतु मानवता के हितों की